MRI, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा अगर कभी हॉस्पिटल के चक्कर काटे होंगे तो। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक महंगा लेकिन कारगर इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो इंसानी शरीर के अंदर मौजूद ऑर्गन्स, अंदरूनी अंगों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल तो किया जाता है ये इलाज में डॉक्टर्स की मदद के लिए, लेकिन आपको बता दें MRI मशीन अगर चाहे तो जान भी ले सकती है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जैसे कि नाम से ही आप भाप सकते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इस मशीन में मानव शरीर के अंदर झांकने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि MRI मशीन से एक्सरे मशीन की तरह हानिकारक रेडिएशन तो नहीं निकलते, लेकिन MRI ऑपरेटर और मरीज ने अगर जरा सी भी लापरवाही बरती तो ये मशीन चीथड़ उड़ा सकती है शरीर के। आज के इस वीडियो में हम उन बेहद दर्दनाक हादसों के बारे में आपको बताएंगे जो MRI मशीन को लापरवाही से इस्तेमाल करने की वजह से हुए। तो दिल थाम के बैठिए, ये वीडियो बेहद हृदय विदारक हो सकता है। MRI का हादसा नंबर 5, राजेश मारू। 2018 की बात है। राजेश मारू अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए मुंबई के नायर हॉस्पिटल गए थे। उनके परिवार ने बताया कि हॉस्पिटल के एक स्टाफ ने राजेश को ऑक्सीजन सिलेंडर MRI रूम तक ले जाने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने यह आश्वासन दिया कि MRI स्कैनर अभी बंद है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं था, MRI स्कैनर ऑन था। जैसे ही मारू सिलेंडर लेकर रूम में पहुंचे, MRI मशीन ने उन्हें अपनी ओर जोर से खींचा, जिस कारण से सिलेंडर जिसमें ऑक्सीजन भरी थी और MRI मशीन में बहुत तेज टकराव हुआ और ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। उससे लिक्विड ऑक्सीजन बहने लगी जो राजेश के शरीर के अंदर चली गई। उसे तुरंत इमरजेंसी रूम में ले जाया गया, लेकिन 10 मिनट बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद लापरवाही के लिए उस हॉस्पिटल पर केसेस हुए और मुआवजा दिया गया। MRI का हादसा नंबर 4, MRI और बंदूकें। बात सन 2013 की है। एक पुलिस ऑफिसर अमेरिका में इलिनॉइस के ग्रामीण इलाके में एक मेडिकल बिल्डिंग में चोरी की जांच कर रहे थे। जब वे MRI रूम में पहुंचे, अनायास ही पहुंचे वो, तभी अचानक उनका सर्विस रिवॉल्वर MRI मशीन ने खींच लिया। काफी कोशिशों के बाद भी उस रिवॉल्वर को नहीं निकाला जा सका। उसे तभी निकाला जा सका जब उस मशीन के निर्माता को संपर्क किया गया। 2013 में हुई पुलिस अफसर के साथ ये घटना पहली नहीं थी। 2009 में भी इसी तरह की घटना हुई थी। एक अफसर अपनी माँ से मिलने के लिए MRI रूम गए थे, तभी उनकी रिवॉल्वर भी MRI मशीन द्वारा खींच ली गई थी। इस घटना में उनका हाथ भी फंस गया था, लेकिन वो किसी तरह अपने हाथ को निकाल पाए थे, लेकिन उनका हथियार कई घंटों तक वहीं फंसा रह गया था। इसी तरह 2006 में न्यूयॉर्क में एक पुलिस ऑफिसर के साथ एक घटना घटी थी। एक पुलिस ऑफिसर गन लेकर MRI रूम में घुस गए, जिस कारण से उनकी गन को मशीन ने अपनी तेज मैग्नेटिक फील्ड से खींच लिया और इस घटना में गन से गोली भी चल गई जो दीवार पर जाकर लगी। खुशकिस्मती ये रही कि किसी की जान नहीं गई। MRI का हादसा नंबर 3, डेन महोनी। डेन महोनी एक 79 साल के बुजुर्ग थे जो न्यूयॉर्क मेटफोर्ड के रेडियोलॉजी सेंटर में बुरी तरह से घायल हो गए थे। डेन महोनी के बेटे के अनुसार वहां के लोगों ने बताया था कि MRI रूम में मेटल की वस्तुएं ले जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन किसी ने भी डेन महोनी के मेटल वॉकर को, वो वॉकर लेकर चलते थे, उसे रूम के बाहर रखने के लिए कहा ही नहीं। सब ने डेन महोनी के उस वॉकर को नजरअंदाज कर दिया, भूल गए, लापरवाही कर दी। फिर क्या था? जैसे ही महोनी MRI रूम में प्रवेश करते हैं, उनका मेटल वॉकर सीधा छूटकर मिसाइल बन जाता है और मशीन में जा चला जाता है और वो बुरी तरीके से गिर जाते हैं, जिस कारण से उनके सिर पर बहुत गंभीर चोट आती है। 2 दिन बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ता है और ठीक 2 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। बाद में महोनी के परिवार को उस हॉस्पिटल द्वारा मुआवजा दिया जाता है। MRI का हादसा नंबर 2, माइकल कोलंबिनी। ये घटना 2001 में न्यूयॉर्क शहर के वेस्ट चेस्टर मेडिकल सेंटर में घटी। माइकल कोलंबिनी 6 साल का बच्चा था जिसके ब्रेन में एक ट्यूमर था और उसकी हाल ही में सर्जरी हुई थी, और सर्जरी की प्रोग्रेस देखने के लिए, जो हीलिंग हुई थी उसकी, उसको चेक करने के लिए MRI कराने की नसीहत दी गई थी। सर्जरी होने के बाद उसे MRI रूम में ले जाया गया ताकि उसकी जांच हो सके। जैसे ही MRI मशीन को चालू किया गया, तभी वहां पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था जिसे MRI मशीन ने 20 से 30 फीट प्रति सेकंड के हिसाब से तेज गति से खींचा। वो सिलेंडर उस बच्चे के सिर पर जोर से जाके लगा, जिस कारण उसके सर पर कई फ्रैक्चर आए, उसके मस्तिष्क को काफी चोटें पहुंची, उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। MRI के हादसा नंबर 1,
मुंबई का हादसा। यह घटना 2014 की एक मुंबई के हॉस्पिटल की है। स्वामी रमैया जो कि एक तकनीकी सहायक थे, वे एमआरआई मशीन को स्कैन के लिए तैयार कर रहे थे, तभी उन्होंने वार्ड बॉय सुनील जाधव को ऑक्सीजन मास्क लाने के लिए कहा। सुनील वहां पर नया लगा था, नया कर्मचारी था, इसलिए उसे एमआरआई रूम के बारे में ज्यादा पता नहीं था, उसे रूल्स रेगुलेशन नहीं पता थे। लेकिन सुनील को सुनने में गलती हुई कि ऑक्सीजन मास्क लाना है या ऑक्सीजन टैंक, वो भूल गया और उसने 4 फुट का ऑक्सीजन टैंक एमआरआई रूम में घुसा दिया। जैसे ही सुनील मशीन के पास गया, मशीन ने पूरी ताकत के साथ उस सिलेंडर को अपनी ओर खींच लिया, जिस कारण से सुनील और रमैया एमआरआई मशीन और सिलेंडर के बीच बुरी तरीके से फंस गए। ये दोनों उस मशीन में 4 घंटे तक फंसे रहे क्योंकि उस मशीन का इमरजेंसी स्टॉप बटन काम नहीं कर रहा था। इस घटना में जाधव के कंधे फ्रैक्चर हो गए और रमैया की किडनी डैमेज हो गई और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई। वहां के लोगों ने बताया कि उस सिलेंडर को निकालने के लिए रस्सियों का सहारा भी लिया गया, लेकिन जब तक उस मशीन के टेक्नीशियन नहीं आए तब तक उसे निकाला नहीं जा सका। बाद में उन दोनों का इलाज उसी अस्पताल में हुआ और उन्हें मुआवजा भी दिया गया। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप हॉस्पिटल जाएं और एमआरआई कराने वाले हों तो इस बात का खास ख्याल रखें कि कोई भी मेटल की चीज लेकर ना जाएं। आपके शरीर में कोई भी मेटल इम्प्लांट नहीं होना चाहिए। एमआरआई सेफ मटेरियल से जो इम्प्लांट होंगे वही सेफ रहेंगे, अन्यथा नहीं। इस बात का खास ख्याल रखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, न जाने कब आपको एमआरआई की जरूरत पड़ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस दिलचस्प पेज के साथ, जिसमें आने वाले दिनों में कुछ बहुत ही रोचक वीडियोस डालने वाले हैं। तो अभी फॉलो कीजिए इस पेज को। धन्यवाद।